rong, ring rong, ring rong, ring rong, ring rong, ring rong, ring rong, ring. अंदर तो आ गया, अब क्लोरोफार्म वाला रुमाल इसकी नाक पे रखूंगा, ये बेहोश हो जाएगी, अंगूठी निकालूंगा और 9-2-11 हो जाऊंगा। शाबाश लाल, तूने कर दिया कमाल। अब क्या कर रहे, नाच क्यों रहे हो? चलो चलो अपना काम करो। ओ नहीं जी, बस हो गया जी। अरे बंद कीजिए इसको। क्या क्या किया आपने? आपकी वजह से मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, फिर से बदलने पड़ेंगे। ये क्या हो गया? ये तो पुरानी भी चिखा ही नहीं, कुछ भी हो जाए अंगूठी में वापस हासिल करके रहूंगा। ये प्लंबर सिंह कहाँ से आया, सारे कपड़े गीले कर दिए मेरे। कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कोई बदमाशी मत करना, ठीक है? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, पहुंच गया प्रेजेंटेशन में और फाइल ही नहीं है। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूँ, रास्ते छुपा के मैंने फाइल यहाँ रखी थी, अगर उसके हाथ लग जाती तो सारा क्रेडिट खा जाता। ओके, पीछे चलो। उठ मेरे कंफ्यूज शेर, उठ। आज तेरी ज्यादा जरूरत ऑफिस में नहीं बल्कि घर में है, उठ। कपड़े गीले हो गए, अगर ऐसे ऑफिस जाऊंगा तो क्लाइंट पे क्या असर पड़ेगा? अब तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। जा 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 जा। अब देखता हूं जयलाल क्या करता है। मेरी पैंट गीली हो गई, मैं पैंट चेंज करने आया हूँ। सरदार जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? और जी, हम टिप टॉप हाउस क्लीनिंग से हाउस क्लीन करने वास्ते आए हैं। अच्छा अच्छा, हाउस क्लीन करने आया, प्लीज अच्छी तरह क्लीन कीजिएगा, कुछ छुटने न पाए। मानसी ने ये काम बड़ा अच्छा किया। आप किससे बातें कर रहे हैं? वो टिप टॉप हाउस क्लीनिंग सरदार जी आए हाउस क्लीन करने के लिए, उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं बुलाया है, लगता है वो चोर है, उसे पकड़ के रखना, छोड़ना मत। पापा जी, मेरी मिसेस तो कह रही है कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, आप चोर हैं। कह रही है जी, पकड़िए जरा। बड़ा मजा आ रहा है जी, वो रोल होते होते गोल हो गया। अरे उसे पकड़िए ना, पता नहीं क्या क्या चुरा लेगा वो। ओके मानसी, तुम चीजों को कितना सरल कर देती हो। सो स्वीट। चोर 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 चोर, माँ चोर, माँ चोर। अरे खबरदार जो मुझे चोर बुलाए तो। माँ मैं आपको चोर नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बेडरूम में चोर था जो निकल के भागा। माँ आपका फोन बज रहा है। अरे मेरे पास फोन कहाँ है? तो घंटी बज रही है आपके फोन। ओहो भगवान, कितनी बार कहा है गलत टाइम पे फोन मत किया करो, क्या बनाया है खाने? ये माँ यही चोर है। किधर गया, किधर गया? इधर जाऊं या उधर जाऊं? पूरा रहे भी चार दिशाएं बनाई, एक बनाता तो क्या प्रॉब्लम थी, कंफ्यूजन नहीं होता। अरे
किधर हो भाई? छोटा सा आदमी दिखता भी नहीं। दिन में दो दो बार एक ही घर में चोरी, और वो भी सेम चोर। ये तो ना कोई चिड़िया घर से भागा हुआ जानवर लगता है मुझे। श्रीमति रामचंद्र की जय। बताती हूँ तुझे, तू रुक। रिंग रॉन्ग रिंग, माँ जी ने जैसा कहा ना, ये बिल्कुल वैसा बन जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। लगता भाग गया। होशियार से होशियारी। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग टाइम पे लगाने को कितने कहा था। पकड़ लिया। ये लाल, ये हो गया कमाल, ये तो मुझे छोड़ के चला गया। ये कौन है मेरे पीछे? भाभी आशीर्वाद दो। भाभी जीते रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। वाह भाभी वाह, आपके इस आशीर्वाद में भी जीवन जीने का एक राज छुपा हुआ है। भाभी आप महान हो। और मैं क्या हूँ? आप माँ हो। टट्टू तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे माँ, अब सब ठीक हो जाएगा माँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी कहानी का आइडिया मिल गया है जो मुझे सफलता के सातवें आसमान पर बिठा देगी। मैं भाभी के जीवन पे फिल्म बनाने वाला हूँ माँ। क्या मेरे जीवन पर? हाँ भाभी। क्यों, मेरे जीवन में क्या बुराई है? माँ आपके जीवन में बुराई नहीं है, लेकिन आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे भाभी आपसे इंस्पायर हुई हैं, वैसे ही भाभी से इंस्पायर होकर मैंने कहानी लिखी है। देखिए ना माँ, भाभी इस घर के लिए कितना कुछ करती हैं, सबको कितना खुश रखती हैं। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, भाभी चुटकी बजा के सॉल्व कर देती हैं। आपके मुंह से निकला नहीं चाय और ये मिली चाय। भाभी मेरी फिल्म की हीरोइन जो आपका रोल करेगी, वो यहाँ आपके साथ इस घर में रहेगी, आपके मैनरिज्म सीखेगी, आपका चलना, बात करना, मुस्कुराना। लेकिन डड्डू तुझे हीरोइन मिलेगी कहाँ? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मिशन तलाश है हीरोइन। अब इस घर में तभी घुसूंगा जब अपनी फिल्म की हीरोइन को ढूंढ लूंगा। आशीर्वाद दो भाभी। ऑल द बेस्ट। आप भी दे दो। बाबू जी, इसके लिए खाना रख देना, ये अभी खाली हाथ और खाली पेट वापस आ जाएगा। कौन मिलेगी इसे हीरोइन? माँ जी, आपकी उम्र में ना इस तरह नहीं हंसना चाहिए। ठीक है ठीक है। पायल आगू माँ, पायल आगू। क्या करें बाबू जी? मानसी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा सुनिए, नाश्ता तो करके जाइए। नहीं नहीं, आज बॉस छुट्टी पे है और सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई है, तो मुझे ऑफिस पहुँचना पड़ेगा और टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। सुनिए, फ्रूट्स तो लेके जाइए। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो फ्रूट्स रख लेता हूँ। ओके माँ, पायला बाबूजी, पायला मानसी जी। सो अब जा भी। गुड मॉर्निंग सर। सर आज आप साड़ी पहन के आ गए और आपने ये रिंग भी लगा लिया। आप तो सर नहीं है, आप तो सर नहीं है, मतलब मैडम है। I'm sorry मैडम, मैंने देखा नहीं आपको, मैं जब अंदर आया। कट शॉट। विजय, हमने यहाँ तुम्हें एक खास काम से बुलाया। जी। सुनो। जी। हमने एक घोड़े की पेंटिंग खरीदी जो बहुत ही नायाब है। मैडम आपने खरीदी होगी तो नायाब ही होगी, क्योंकि कट शॉट। दो दिन बाद उनका बर्थडे है। उनका किन का? दो दिन बाद हमारे उनका बर्थडे है, मतलब तुम्हारे बॉस का बर्थडे है। अच्छा, चतुर्वेदी का बर्थडे, मतलब चतुर्वेदी साहब का बर्थडे। ओहो, तो ही द फरवरी बेबी। कट शॉट। उनका बर्थडे है और ये घोड़े की पेंटिंग सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगी। और हम ये चाहते हैं कि ये पेंटिंग तुम आर्ट गैलरी से लेकर आओ और दो दिन तक उसे अपने घर में रखो। ऑलराइट मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि उनको सरप्राइज देने के चक्कर में आपको कोई बड़ा सरप्राइज मिले। मैडम
शॉट। मैडम आपने मेरे कंधों पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आई एम ऑनर्ड। ये ऑनर डिसऑनर भी हो सकता है विजय। वो कैसे मैम? वो ऐसे कि अगर हमारी पेंटिंग को कुछ हो गया तो तुम्हारी लाइफ में जितने भी कलर्स हैं ना, सब के सब उड़ जाएंगे। डिस्पर्स। जी डिस्कस करना चाहती हैं कुछ? डिसअपीयर। जी थैंक यू। भाभी, माँ, भाभी। क्या हो गया? तू कहाँ आग लग गई? माँ क्या हुआ? अरे भाभी, माँ, मेरी किस्मत के सितारों में 1,000 वॉट के बल्ब लग चुके हैं। मेरा गुड लक मेरी तरफ दौड़ कर आ रहा है। अब मुझे इतिहास बनाने से कोई नहीं रोक सकता। डड्डू डड्डू डड्डू, तू घर के सामान की लिस्ट नहीं बना सकता, इतिहास क्या बनाएगा है? माँ, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। माँ, माँ, मुझे अपनी सफलता की सीढ़ी का पहला पायदान मिल चुका है। माँ, क्या मिल गया है? एक मिनट, दिखाता हूँ। दिल थाम लीजिए, धड़कने रोक लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है मेरी अगली फिल्म की अगली हीरोइन, मेरा मतलब है खूबसूरत हीरोइन, मिस अनुष्का। अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का। किधर है? किधर है? किधर है? कहाँ है? अरे आ भी जाओ भाई। आदाब। आदाब अर्थ है जिल्ले इलाही। डड्डू, इसने मुझे जलील इलायची बोला। अरे नहीं माँ, जिल्ले हेलो बोल रही है। हेलो। वो क्या है ना माँ, अभी तक अपने पिछले प्ले के कैरेक्टर से बाहर नहीं आई है। वैसे आपने कौन सा रोल किया था? रजिया सुल्तान का? अरे नहीं नहीं भाभी, रजिया सुल्तान की पड़ोसन की नौकरानी का। करने के लिए हुक्मरान का हुक्म है कि इस सरफरोश की सरगोशियों के एक फितना दिल का अदना सा गुलाम नहीं बन सकता। वाह, डड्डू ये हीरोइन है या कॉमेडियन? हाँ प्लीज अनुष्का, अपने कैरेक्टर से बाहर आओ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अनुष्का, ये मेरी भाभी है, तुम्हें बिल्कुल इनके जैसा बनना है। इनकी हर बात हर अदा मुझे तुम में चाहिए। अजय, तुम मेरी बातों को कितनी जल्दी कैच कर लेती हो, शाबाश। तुम भाभी को ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम्हें इनमें सब कुछ मिलेगा, एक बीवी, एक भाभी और एक बहू। डड्डू, मैंने ये तीनों रोल कर लिए हैं और मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है। What about me? लेकिन माँ जी, हम तो कलर फिल्म बना रहे ना, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी बना रहे। तू क्या हंस रही है? मेरे लिए सूप बना, सर में दर्द हो रहा है मुझे। सियापति रामचंद्र की जय। माँ जी, माँ जी है। जाओ जाओ जाओ, भाभी को कॉपी करो, जाओ। ओके ओके। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बॉलीवुड, मैं आ रहा हूँ। क्या करूँ? माँ जी के लिए ना गर्मा गर्म टोमेटो सूप बनाती हूँ। रिंग रॉन्ग। मैं आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अजय सर ने कहा है ना कि मैं आपको कॉपी करूँ ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूँ। अच्छा, सीखो। हे भगवान, ये तो सच में पीछे पड़ गई है। लगता है अपने आप सूप बनाना पड़ेगा। नो रिंग रॉन्ग रिंग। सूप तो बन गया, सूप तो बन गया। अच्छा अनुष्का, ये सूप ना तुम माँ जी के लिए लेकर जाओ। नहीं, सूप आप ही लेके जाइए, मैं आपको फॉलो करूंगी। अरे बहू, आई माँ जी, चलो जल्दी। वाह जे बेटा वाह, क्या नगीना लाया है तू। मानसी के साथ तो इसका मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी चल रहा है। चौहान हाउस में चटपटा मसाला तैयार हो रहा है। और मुझे तो स्पाइसी चीजें वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, फिर भले ही वो खाने में हो या जीवन में।
मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है रे। आई माची, आई आई माची, आई माची। सूप, माची सूप, माची गरम है पी लीजिए, माची गरम है पी लीजिए। अरे इस रिपीट टेलीकास्ट को बंद करना, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है। जला दिया। इतना गरम सूप ही कोई देता है किसी को? सॉरी माँ जी। बहू जी, मेरे सर में मसाज करते शायद मुझे नींद आ जाए। यही सही मौका है इस कॉपीकैट के गले में घंटी बांधने का। अनुष्का, अनुष्का, अब तुम्हें मेरे जैसी बहू का कैरेक्टर प्ले करना है ना? हाँ, माँ जी के सर पे मसाज कर दो अच्छी बहू की तरह। मसाज तो मैं कर दूंगी, लेकिन आप मुझे एक बार करके दिखाओ ना कि अच्छी बहू मसाज कैसे करती है। माँ जी, आपने ना मुझे मेरी दादी की याद दिला दी। मम्मी की दिलाई होगी। नहीं नहीं, दादी की। उनकी भी उम्र ना बिल्कुल आपकी तरह बहुत ज्यादा थी। मैं ना उनके सामने बैठ जाती थी, ऐसे बैठ जाती थी, और फिर उसके बाद ना वो मेरे सर पे मसाज करती थी ऐसे। मानसी, यही सही मौका है, निकल यहाँ से। माँ जी, मैं अभी आई। अरे 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 बहू, थैंक गॉड वो चुक्कू यहाँ नहीं है। माँ जी को नींद आ जाए, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रिंग रॉन्ग रिंग, माँ जी को नींद। मैं आ गई। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आ जा री अखियान में धीरे से आ। बहू, तूने क्या किया? क्या हुआ? क्या किया मैंने? क्या हुआ? क्या किया मैंने? एक मिनट। दीदी, हाँ? पर आप बात किससे कर रहे हो? तुमसे। लेकिन दीदी, आपका मुंह तो उस तरफ था। वो तुम्हारे कान तो इस तरफ है ना, तो पूछ रही थी कि कुछ किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं किया है, सारे घर का काम वैसे ही पड़ा है। मार्केट से सब्जियां भी तो लानी है ना। रिपीट मत करो। मार्केट चलना है? चलो मेरे साथ चलो। ओके चलो। अब देखते हैं क्या होता है। अरे की खुशबू। अरे प्रमिला भाभी, आप अनुष्का कहाँ है? अनुष्का क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन है, वो भी सगी। तुम्हारे फिल्म के चक्कर से तुम उसे दूर रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, बल्कि मैंने तो आपसे भी कितनी बार कहा कि मैं आपको भी हीरोइन बना दूंगा। इसीलिए तो मैं नहीं चाहती वो तुम्हारी फिल्म करे। क्या मतलब? हे देवा, मैं इसे कैसे समझाऊं? हीरोइन बनने के लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, उल्टा तुम मेरी बहन को ही मेरी कॉम्पिटिशन में ले आए। देखो तुम उससे दूर रहो। अरे भाभी, अनुष्का आने वाले टाइम की सुपरस्टार है, उसे स्टार बनाऊंगा मैं। सुनो अजय, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न। आई समझाइए ना अपने बेटी को कि वो अनुष्का का पीछा छोड़ दे। आई ओके, तो आप अपने बेटे का ही साथ देंगी ना? अब तो मुझे लगता है मुझे विजय भाई साहब से ही बात करनी होगी। माँ, कमाल कर दिया आपने, सोने की क्या एक्टिंग की आपने, मेरा भाभी को तो क्लीन बोल्ड कर दिया। माँ, अगली फिल्म मैं आपके ऊपर ही बनाऊंगा, सोती माँ जागती आगे। चलो भाई। ये कुलूर की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं से भी आ रही हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं जरा पेंटिंग को ठीक तरह से रख देता हूँ। ये तो मेरे पेट में से आ रही है, क्या करूं? करूं क्या बेटा, चलो। चिपकू कहाँ गई? जब से चिपकू मुझसे चिपकी है ना,
मैं अंगूठे से कोई हेल्प ही नहीं ले पा रही हूँ। दीदी आप अकेले काम कैसे कर सकते हो? मैं भी करूंगी। चलो चलो। एक काम करो, तुम वहां साफ करो, ठीक है? ओके। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? हे भगवान, मैंने क्या किया? और ये क्या है? और ये क्या है? मानसी। जी 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 जी। डाइनिंग टेबल पे घोड़े की पेंटिंग रखी है, जरा ध्यान रखना उसका, खराब ना होने पाए वरना मेरी नौकरी जाएगी। जी अच्छा, क्या है? देखूं तो सही। क्या है? देखूं तो सही। आराम से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.